और बना लिया ताकि आने वाले समय में आप जो भी फसल खेत में डालेंगे दीदी, हाँ भैया, तो उसमें आपको यूरिया यूरिया की मात्रा कम लगेगा। हाँ भैया, जो ये जड़ जो है तो ये खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रहेगी। हाँ भैया, जो ने दीदी तो चना काटी है तो अपने प्रकार से हम मसूर ला भी काट सकते का? हाँ भैया, हम यू ला काटन या मसूर लभ है चन्नो ला काट से मसूर का जसन की मसूर जी की मसरी भी के वह होत है गांठ होत है। जसन चन्ना के गांठ होत है कि वो यूरिया के काम करत है तसन ऊ के गांठ ने काम करत है भैया मसूर की है। तो आपके कहने का मतलब ये है दीदी कि जिस तरह से हम चने की कटाई करते हैं उसी प्रकार से हमें मसूर का भी कटाई करना चाहिए ताकि जड़ उखने ना, है ना, नीचे ही रहे। हाँ भैया, जब कि जितना ऊपर चना काटथन उसने मसूर ला काटथन हसिया से, हाँ, उखने जाए कहके और हाथ से नहीं उखोड़ना चाहिए। हाँ हाँ भैया, वही जब गांठ है निकल जाते है तो धरती चंदर रहे। चना की कटाई तो हो गई है दीदी, अब इसको क्या करेंगे आप भैया? या चना ला गठ बांध के और खनिहार में ला जब इकट्ठा करबो और एक खरगहाई करबो। दीदी अखर ते खनिहार में ला जब गठे बांध के ला जब दाना वाना झेकर जाए ऐसे शीत हस रही भैया तो सुबह बांधना पड़े, दोपहर के नहीं बांधने ला, दोपहर के नहीं बांधना चाहिए ना। हाँ सकर हाँ बांधना संध्या के बांध होता जी दीदी तब उझर ही भैया ने दिन भर के घाम लगे है खराया जाए दाना ने। हाँ तो सकर है ठीक है खरना। हाँ दिन ना निकल पाओ घाम ज्यादा है तिपन पाओ तसना बांध के गठा ले जाबो खनिहार में। दीदी कटाई करते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए दीदी? हाँ भैया, कटाई के समय अपन या हाथ के बचा किए हसिया है धार वारे आरी कस धार है एक तेरे एक ध्यान नहीं दे तो हाथ जो कट जाए भैया ते खर मार हम ज्यादा कटाई में ध्यान देते कि हाथ झे कटे कहते। दीदी आप जो कटाई करते हैं तो और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं दीदी? हाँ भैया, जेन हमारे गांव में अभी चन्ना बोइन है फिर मसरी बोइन है तो उनका सबको बता रहे हैं कि हंसिया से कटाई सबका धरती से कोई ना उखाड़े। अच्छा। हाँ दीदी, चना की कटाई के बारे में अच्छा जानकारी दे और अपन समय भी दे, इखना ने बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राम राम। राम राम भैया।